हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड ये जो सेशन आप देखने लगे हैं, ये सेशन मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, आई थिंक इन जून और जुलाई, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एंड सम एस्थेटिकल इश्यूज, हम इसको अपलोड करने में थोड़ा अनडिसाइजिबल हुए थे कि शुड वी अपलोड दिस और शुड वी नॉट अपलोड दिस। दिस पॉडकास्ट वुड बी अवेलेबल इन ऑडियो फॉर्मेट, अगर हमें ऑडियो सुनना तो और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज द वीडियो गोज ऑन। तो द थिंग वॉज के वी वर अनडिसाइसिव कि शुड बी अपलोड सेशन और नॉट, लेकिन फिर मेरे ख्याल में आया, जहन में आया कि जो गुफ्तगू हुई है पूरे पॉडकास्ट में, इट्स रियली रियली गुड। तो अगर मैं इसको ज़ाया करूँगा तो दैट वुड बी ज़्यादती फॉर ऑल यू गाइज, ठीक है ना। थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़े से मसले हैं, क्योंकि जो मेरी कैमरे वाली फुटेज थी वो क्रैश हो गई थी, और उस टाइम पर मेरा माइक इतना कोई खास था नहीं, मेरा इंटरनेट भी कोई इतना कोई खास था नहीं, उस जमाने में बैटरी वाला मार था नहीं। तो इस वजह से थोड़ी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, हो सकती थोड़ी सी क्वालिटी उस लेवल की शायद ना हो जिस लेवल की बात ऐसे होती है। लेकिन इफ़ यू आर इन फॉर अ वैल्यूएबल पॉडकास्ट, इफ़ यू आर लर्न समथिंग, इफ़ यू आर लर्न हाउ टू डू अ बिजनेस, व्हाट आर सम एथिक्स एंड हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन, हाउ टू रन अ ई कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान एंड ऑल दस क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट, देन दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। डोंट गो एनी वेयर, पूरा देखो, मज़ा आएगा, इंजॉय करोगे। थैंक यू। 3, 2, 1. Welcome to Beyond Perception. हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अल्लाह हाँ जी, क्या आ रही है यार, क्या हाल है का शुक्र जी? जब है। मॉर्निंग रूटीन है आपकी? मैं कहा भाई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं भाई, तो चिल करके स्कूल से सोते होंगे सो सुबह। नहीं, वो तो यार अब इतने 7-8 साल हो गया, अब चल रूटीन के तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, तो हम लोग तो संडे को भी काम कर रहे होते हैं यार। नहीं तो कितना आप, मैं तो आते साथ सवाल आप शुरू हो गया, लेकिन कितना जरूरी समझते हैं आप प्रोडक्ट इसको, वर्क एथिक को? यार देखो, वर्क एथिक फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो ये वेबसाइट की सारी डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, सबसे पहले तो अगर मैं वेबसाइट हमने शुरू की 2013 में, तो 2013 के अंदर प्रोडक्ट की जो क्रिएट करना होता है कि कितने कलर्स हैं, कितने साइजेस हैं, उसकी फोटो खींचना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारा कुछ मैंने खुद किया। वेबसाइट का लेआउट, मेन्यू, अगर ये मेन लिखोगे तो मेन के नीचे कितने मेन्यूज बनने, सब मेन्यूज कितने बनने, ये मैंने सारा खुद किया है। तो उसमें ये है कि अब अगर कोई मसला होता है या कोई चीज ठीक नहीं होती तो आई नो व्हाट्स रॉन्ग बेसिकली, क्योंकि मैंने सारा कुछ खुद किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जिस तरह बहुत से ऑफिस के अंदर ये होता है कि बंदा छोड़ के चला जाता है ना, तो बहुत टेंशन होती है कि अब पता नहीं क्या होएगा, तो मुझे इस तरह टेंशन नहीं होती चीज़ों की, क्योंकि मुझे पता होता है यार मैंने खुद किया हुआ है, पहले 4 दिन खुद लगा के बंदा ढूंढ ही लूंगा मैं। तो वो वर्क एथिक में ये है कि इफ यू नो थिंग्स तो फिर आप हर वक्त विजिलेंट होते हो कि यार ये चीज़ खराब तो नहीं हो रही, ये चीज़ ठीक है, इसको ठीक और बेहतर करना, और यू हैव टू पुट इन योर 8-9 आवर्स एवरी डे। लेकिन अगर आप बिजनेस मैन हो तो आप तो रात को 10 बजे भी अपनी सेल्स देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये पिछले 2 घंटे में सेल नहीं अच्छी हुई, वी नीड टू डू समथिंग, और रात के 11-12 बजे मैं अपने बेड के अंदर बैठ के भी काम कर रहा होता हूँ। तो इट्स नॉर्मल, अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। उसमें मैं वर्क एथिक क्या कहूँ, इसके बगैर नींद नहीं आती सेल देखे बगैर, सुबह उठते साथ जब तक मैं अपने फोन के ऊपर सेल नहीं देखता, मुझे मतलब फिर मैं जाके बात समझ जाता हूँ, तो इट्स लाइक सेकेंड नेचर बन चुका है अब आपका। सही है। और सुना तो सर ठीक है? हाँ, जबरदस्त। अच्छा, मैं इंट्रो नहीं पूछूंगा आपका, ठीक है ना, चूंकि बड़ी दफा हमने शायद बड़ी दफा एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि मेरा हाँ टेक्स्ट हाँ वालुक हाँ बिल्कुल वैसे ही। था, और क्या कहते हैं उसको, मेरे वालिद साहब की भी एक इंडस्ट्री से आई गेस। हाँ, वैसे ही। अच्छा, खैर एक बात पूछूंगा, सबसे पहले सवाल ये करूंगा आपसे, और ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, एज अ बिजनेस मैन आपसे, एंटरप्रेन्योर से सवाल पूछूंगा कि ये जो स्टेटमेंट लोग बड़े अच्छे फखर से कह रहे होते हैं, कि आई एम सेल्फ मेड मैन, कितनी कितनी हकीकत लगती है इस बात पे, कि क्या ख्याल आता है इस बारे में? यार मैं तो सीधी सी बात है कि मेरा तो प्रिविलेज था, देखो प्रिविलेज था, मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ, एक टेक्सटाइल फैमिली के अंदर पैदा हुआ, फिर उसके बाद मुझे मौका मिला फैसलाबाद के बेस्ट स्कूल में पढ़ने का, जो कि बीकन हाउस था जब मैं, अब तो खैर बहुत रूट्स और ये बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ 2007 में मैंने अपना ए लेवल्स किया,
तो भाई बीकानेर से बेहतरीन स्कूल उस टाइम पे कोई भी नहीं था। तो मुझे तो ये समझूंगा कि जो फैसलाबाद में रहने के हिसाब से जो बेस्ट एजुकेशन या बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं आराम से कह सकता हूँ कि माई फैमिली कम्स फ्रॉम द टॉप एटलीस्ट 5% ऑफ द पीपल, पैसे वाइज भी फैसलाबाद का होएगा। क्योंकि यार अगर एक बंदे की फैक्ट्री है तो उसकी जेब में पैसे हैं तो वो फैक्ट्री चला रहा है ना, तो फैक्ट्री में बंदे भी थे, तो वो तो मैं कहूंगा आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज। बट व्हेन पीपल से कि नहीं यार ये काम इसका सिर्फ इस वजह से चला है कि इसके बाप की फैक्ट्री थी, तो देन आई डिसएग्री, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं लोगों की, ठीक है। मेरी कोई पाकिस्तान में कोई बहुत नंबर 10 या नंबर 5 रैंक फैक्ट्री तो नहीं है ना मेरे वालिद साहब की। सो व्हेन यू कम अक्रॉस लाइक इंटरलूप, मसूद टेक्सटाइल, ये जो US अपैरल है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो अगर वो मुझे आके कहते हैं कि जी इसका काम सिर्फ चला ही इस वजह से कि इसकी बाप की टेक्सटाइल्स है, देन आई डिसएग्री, ये गलत बात है। तो आई हैड टू वर्क, आई हैड टू वर्क फॉर इट। ऑब्वियसली आई हैड प्रिविलेज, मैं बाहर जाने का मुझे मौका मिला, मैं बाहर जाके पढ़ा, तो वो चीजें तो कंसिडर करते हैं। लेकिन यार बहुत से लड़के या लड़कियां बाहर जाती हैं, यहाँ आके कुछ भी नहीं करते, बाप का पैसा खाते हैं, तो वो भी तो एक ऑप्शन है, वो भी तो चीज है। तो दोनों चीजें हैं, यू नो, यू 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 मेक द मोस्ट आउट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू हैव, द मोस्ट आउट ऑफ द रिसोर्सेज यू हैव, एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल, दोनों चीजें। आई पर्सनली फील जो टर्म है ना सेल्फ मेड, ये बहुत वेग और वन परस्पेक्टिव वाली है। बिकॉज आई थिंक इज कि यू आपको कभी ना कभी चाहिए होगा, चाहे वो कंज्यूमर है, कभी ना कभी चाहिए होगा, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेल्फ मेड वाली बात जो है ना, मुझे थोड़ी सी हजम नहीं होती कभी। खैर, यार टॉकिंग वो तो अबाउट, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा मैं सेल्फ मेड हूं, तो मेरे बाप ने मुझे पैसा दिया। बाप नहीं होता, कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो खरीदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो किसी ना किसी को तालुक बनता है। पैसा तो मुझे उधर से ही मिला है ना, काम शुरू किस तरह होना था, पैसे से ही होना था ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। खैर, आप खुद सोच आपने लो नहीं। बात की एजुकेशन की, तो दिस इज एन ओपन क्वेश्चन कि हाउ मच डू यू फील, जो भी आपने पढ़ा है जिंदगी में, और दिस इज एन पर्सनल क्वेश्चन एज वेल। अब मेरे ख्याल से आपने MBA भी किया, मास्टर्स किया हुआ है, कहाँ से? कहाँ मास्टर्स किया से? मैंने, कैश से, लंदन से। लंदन से मास्टर्स किया हुआ है। हाउ मच यू फील कि वो मास्टर्स आपकी अब के बिजनेस में अप्लाई होता है या फायदा देता है? यार मुझे ये लगता है कि जो मास्टर्स है ना, वो होता है नेटवर्किंग के लिए, आपका दिमाग खोलता है। अब मैंने मास्टर्स किया कैश से, तो कैश के अंदर पूरी दुनिया से बंदे आए हुए थे, मतलब यूके के तो इतने लोग नहीं थे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इस तरह के लोग थे। तो उसका प्रस्पेक्टिव बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा यार बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा ये लोग इस तरह काम करते हैं, जिस तरह हम लोगों के, मैंने कभी आज तक, क्योंकि मेरे वालिद साहब की कंपनी, तो हमने कभी फैमिली सक्सेशन प्लान के बारे में नहीं सोचा था कि चलो अब मेरा भाई है या मेरे बच्चे होने, तो हम लोगों ने इस कंपनी को आगे लेके किस तरह चलना है। तो इस तरह की जो आइडिया जनरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए होते हैं, तो मुख्तलिफ बातें करते हैं, उनका सोचने का नजरिया फर्क होता है, तो वो सीखने को मिलता है। जो बेसिक एजुकेशन है यार, वो मुझे लगता है कि वो आपकी शायद इतनी इंप्लीमेंट नहीं होती, नहीं क्योंकि होती, पाकिस्तान में स्ट्रेटेजी फर्क है, पाकिस्तान का कंज्यूमर ही बड़ा डिफरेंट किस्म का यही यूके सवाल के। था मेरा अगला कि व्हाट आर द डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में फर्क क्या आता है बायर के बिजनेस और पाकिस्तान के बिजनेस में? कुछ ने बड़ा सुना है। हाँ आप बोले। यार बहुत फर्क है। अब देखो ना, अब मेरा तो ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा तो 95% ही कैश ऑन डिलीवरी, तो हमारे तो रोल ही फर्क है कि कस्टमर को पैसे, कस्टमर रिफ्यूज कर देता है, गेट पे पार्सल नहीं रहता, अभी इधर यूरो में अगले ने क्रेडिट कार्ड डाला, ठग करके उसको पेमेंट आई, खत्म होगी बात, ये तो मतलब बुक इधर में जरा बड़ा, मतलब बुक लिखी हुई है तो वो बुक में ऑर्डर करते लोग बड़ा मजे से कि हाँ मैं ऑर्डर कर देते हैं, या फिर देख लेते ही नहीं है, फिर दोबारा कहते हैं भाई दोबारा भेजो, मैं दोबारा हाँ तो भेजता ऐसे हूँ, ही वो है। फिर वापस कर देते हैं। अब जिस तरह मैं कल ही एक बंदे से बात कर रहा था, उसने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया, अच्छा उसने ऑर्डर किया 27 मई को अच्छा और हमने 2 जून का उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि ठीक है हमारी टीम ने, वो एक नया कस्टमर था, हमारी टीम ने उसको 28 मई को फोन किया, 29 मई को फोन किया, 30 मई को फोन किया, 31 मई को फोन किया, ईमेल भेजी, SMS भेजा कि भाईजान हमने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसका 2 जून को हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सही है। जब ऑर्डर कैंसिल किया, उसने टीम वाले, अब हमारे किसी कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे को फोन किया ऑन है, उसने कहा सर आपको ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हम इतने दिनों से फोन कर रहे थे। वो कहता है यार मैं बिजी था, मैं मीटिंग में था। अब ही शुड हैव रिप्लाइड, ही शुड हैव कुछ तो करता। अब जब कैंसिल कर दिया, वो आपकी टीम बड़ी बदतमीज है।
अब वी कैन डू एनीथिंग ना। देखो मैं अगर आपको डिस्पैच कर देता, आप इतने नॉन सीरियस हो, मैं अगर आपका ऑर्डर आप नहीं लोगे तो मेरा ही नुकसान है ना यार। अच्छा वैसे कितनी देर लेते, तो हमने कितनी देर अपनी, को रखा था हमने तो आपने? अपनी तरफ से सही किया, लेकिन वो कस्टमर हमने कहा, मिनिमम 3 days रखा था कॉल का, या हमने फिर 3 दिन का रखा था, 3 दिन, 3 दिन लगातार कॉल करते हैं कि अगर न्यू अगर 3 दिन में उसने टेलीफोन पर उठाया, हमने फोन कैंसिल कर देना। आपने पहली को ऑर्डर किया, अगर आपने 4 जून को ऑर्डर नहीं उठाया ना टेलीफोन में, हमने ऑर्डर कैंसिल कर देना, क्योंकि यार अच्छा 3 दिन बहुत होती है। अब हमारे बंदे बस हो बिल्कुल जाती है यार। सही है सही है। अच्छा आपने इंटरव्यू में बोला था कि एलो वॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, तो इस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड इसके बाद एक और सवाल भी है कि वेयर डू यू सी एलो, एंड एलो के अलावा कोई आपका और साइड प्रोजेक्ट है या फिर अभी सिर्फ एलो ये सब कुछ? यार अब मैं पहला सवाल एक्सीडेंट का बता देता हूँ। एक्सीडेंट तो यार ये वाकई था, क्योंकि हम लोग तो अपना ये पोलो रिपब्लिक का ब्रांड लेके चले थे, लेफ्ट ओवर वाला तो दिमाग में कुछ भी नहीं था। लेकिन सही वो अनफॉर्चुनेटली जब फैक्ट्री वाले साहब की फैक्ट्री कह दे नहीं भाई नहीं बना के देना, तो फिर बंदा क्या करे। तो उस टाइम के अंदर यही था कि एक शिपमेंट कैंसिल हुई हुई थी और हम लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया, और वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा चला। पर इसी तरीके से कुछ दोस्त है यार, उन्होंने कहा यार हमें 10,000 पीस का ऑर्डर आया था, हमारे 11,000 बन गए, तो 1,000 पीस एक्स्ट्रा है तू बेच लेगा। तो इस तरह, क्योंकि कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद, कमिंग गोइंग टू बिकन हाउस, सारे दोस्त यार टेक्सटाइल रिलेटेड ही थे, किसी की जुराबों की फैक्ट्री, किसी की टॉवल्स की फैक्ट्री, किसी की बेडशीट की फैक्ट्री, तो ये कॉमन टॉपिक भी था। और तो ये बड़ा एक, आप ये समझें कि राइट टाइमिंग एंड राइट प्लेस, बीइंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, वो सारी जो सितारे अलाइंड थे, जिसकी वजह से ये बिजनेस, एक्सीडेंट समझे या समझे कि यही थी डेस्टिनी थी, तो वो बन गई। और अगर आप साइड प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो साइड प्रोजेक्ट हमारा वो पोलो रिपब्लिक का ही है, कि हम बचे हुए कपड़े से अपना गारमेंट बना के बेच रहे हैं, और बची हुई बटन, बची हुई अब जिप। भी कोई आगे मोड़ नहीं है कुछ और कहीं और हाथ मारने का या फिर? यार हाथ मारने का थोड़ा सा, हम लोग अभी ये अमेजोन पाकिस्तान में आ गया है, तो इधर से ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम अमेजोन के ऊपर जाएं, क्योंकि हम लोगों ने यूके पे काम किया था, लेकिन अब पाकिस्तान से शिपिंग शुरू कर दी है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदे फायदे की चीज है। तो इसके ऊपर अब जो नेक्स्ट है वो ये है, अभी हमने काम नहीं शुरू किया, बट वी आर गोइंग टू डू इट। वो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये मैंने लिखा था कि डू यू नो, मैंने चेक करने के लिए भी कितने लोग जानते हैं लोगों, तो वो 100% लोग जानते थे लोगों को मेरे उस पोल में से। तो मैं उससे पूछा कि उसके अच्छा ऑल आपके लिए हो, तो वो एक भाई ने पूछा हुआ था कि आपने कुछ शायद कहा है कि मैंने अमेजोन बनना है क्लोथिंग का पाकिस्तान में, ऐसा कुछ लिखा हुआ था भाई, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन किसी बारे ना वो। नहीं, अमेजोन तो नहीं मैंने कहा हुआ था, मैंने प्राइमार्क बेसिकली कहा था, क्योंकि प्राइमार्क एक यूके का ब्रांड है जो कि बहुत सस्ता है। मतलब वहां आप जाते हो तो आपको 3 या 4 पाउंड की टी शर्ट मिल जाती है। अब यार यूके के अंदर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर आपको 4 पाउंड की टी शर्ट मिल रही है, तो मेरा ये मकसद था कि मैंने पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल प्राइमार्क बनना है, कि आपको जबरदस्त क्वालिटी की बचे हुए फैब्रिक से सस्टेनेबल प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिलेगा। तो ये तो मेरा है। अमेजोन का मुझे याद तो नहीं पड़ता कि मैंने कहा, लेकिन मैंने प्राइमार्क जरूर कहा, अच्छा सस्टेनेबल प्राइमार्क। एक जो चीज बड़े मजे की ले बनी है ना, पता नहीं अभी कॉन्शियसली बनाई है या फिर अलग तरह से बन गई है, खैर जो बात है वो ये है कि बन गई है एट द पॉइंट, वो ये है कि ना बड़े रिलेटेबिलिटी फैक्टर है एलो से, लोगों को ना बड़ा रिश्ता फील होता है एलो से। एलो तो हमारा जिगरी है भाई, एलो तो अपने भाई की शॉप है। मैंने अक्सर लोगों को देखे है लम्स के बॉयज को, अपने लम्स से मैं देख रहा था इंडियन में कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है डायरेक्टली, लेकिन लम्स के बॉयज ऐसे इंडोर्स कर रहे होते हैं एलो को, तो प्रति एलो हमने हमने शुरू किया है लोग, हम लोग पहले दवाएं रखी है लोग। वैसे एक तरीके से तो लम्स का मैं आप समझूंगा कि बड़ा एक येलो को ग्रो करने में उसका बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज हम लोगों ने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू की, पहले तो इन हाउस ही टेबल के ऊपर रख के फोटो खींच दी। इफ यू लुक एट ईएलओ इन 2017, 2018, 2017 के एड निकाल के देखेंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एंड देन वी हायर्ड दिस गाय फ्रॉम लम्स, जिसने गेम चेंज की हमारी, सीधी सी बात है। तो वो लम्स के लड़के ही थे, जो लम्स की टीम थी, जिनको हमने हायर किया, आउटसोर्स किया, बिजनेस मार्केटिंग के आइडियाज उनको दिए, तो दे डिड एन अमेजिंग जॉब। और मुझे लगता है टू दे रियली पुट ईएलओ ऑन द मैप, क्योंकि उससे पहले ईएलओ से लोग खरीदारी करते थे,
लेकिन उसके बाद लोगों ने ईएलओ के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि यार इनके ऐड बड़े जबरदस्त हैं, हमें इनका कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है। और उसके बाद यार देखो मुझे भी मीडिया कवरेज उसके बाद ही मिली है, हम तो 2013 से काम कर रहे हैं, सही है। तो इनको एक बेनिफिट तो मैं जरूर कहूंगा कि लम्स प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इन पुटिंग ईएलओ ऑन द मैप। बिल्कुल सही बात है उनकी तो, सही बट ठीक है यार हमारा भी उन्होंने फायदा किया है, एंड एंड आई थिंक दे डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब। अरे डायमेंशंस की बात करते हैं पाकिस्तानी डायमेंशंस बिजनेस की, वो कैसे मुख्तलिफ है बायर से, जो जो आपने पढ़ा है मास्टर्स में, जो भी पढ़ा होगा बिजनेस के, उसकी वो पढ़ाई में और यहाँ की एप्लीकेशन में क्या फर्क है पाकिस्तान में, मेजर कुछ फर्क यार आपको महसूस जो है वो? पढ़ाई के अंदर तो मुझे लगता है कि वो भी बेचारे कुछ, उनका भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो, मुझे तो कभी कभी ये फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लम्स में भी पढ़ रहे हो तो जो किताबें वो आपको जर्मनी की पढ़ा रहे हैं या यूके की पढ़ा रहे हैं या स्पेन की पढ़ा रहे हैं, तो एप्लीकेबल पाकिस्तान जो करिकुलम है, अब लम्स को पाकिस्तान के ऊपर जो कोई किताब भी लिखी हो पाकिस्तान की बैठे हुए लिखी होनी चाहिए कि भाई इधर क्या होता है, इधर क्या रोल है, इधर सीधी सी बात है, आपको कोई दुनिया की किताब ये नहीं बताएगी कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कनेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ देने पड़ते हैं यार, ये ऐसा मुल्क है, इधर छोटी छोटी चीज के लिए आपको स्पीड मनी भी देना पड़ता है, बाकी दुनिया में तो ये बात कभी करते ही नहीं, वो कहते हैं जी अगर आपने रिश्वत दे दी ये करप्शन है, ये फलाना है ये, पाकिस्तान में अगर आप ये छोटे छोटे अपना काम चलाने के लिए ये काम नहीं करोगे तो काम ही नहीं चला सकते, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा सही है। हूं। अब ये मसले अमरीका में नहीं होने कि बंदे ने टेलीफोन लेना है या बंदे ने कोई लाइसेंस लेना है या कोई चीज करानी है तो उसको पैसे देने पड़ने, इधर देने पड़ते हैं। सही 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 तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लैंडस्केप के ऊपर तो आज तक कोई किताब ही नहीं लिखी गई बिजनेस लैंडस्केप के ऊपर। यस। मैं ये बात नोटिस कर रहा था, बल्कि ना वो एक पॉडकास्ट ही देख रहा था मैं किसी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बंदे का, लेकिन भाई के बड़े होटल छोटल थे अंकल के, ठीक है, तो उन्होंने वो ये बता रहे अच्छा थे कि आप दुनिया की जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें बिजनेस के बारे में, जो पाकिस्तान की एप्लीकेशन है ना बिजनेस में, वो बिल्कुल ही फर्क है। तो आपको बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे की एप्लीकेशन सीख ही आएगी, रगड़ा खा के आएगी। खैर यार, कोटा तो, देखो लेबर लेबर को डील करना बड़ा फर्क है पाकिस्तान के अंदर, हर चीज के इंसेंटिव्स का फर्क है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वी गिव प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में आपका ना कुछ सैलरीज में से डिडक्शंस होती हैं, उसकी जगह पे हम सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस ये सारे बेनिफिट्स देते हैं, हमारे बंदे कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें पूरे पैसे दे दो। अब आपने उनको कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल, अगर 500 रुपया काट रहा है ना तो वो 500 रुपए के पीछे आपके साथ इतना लड़ेगा, बट देन ही वुडन रियलाइज कि उसको मिल क्या रहा है उसमें, उसके माँ बाप की इंश्योरेंस उसको मिल रही है, दवाइयां मिल रही हैं, अगर उसकी सर्जरी होती है सर्जरी के पैसे हम दे रहे हैं, बच्ची की डिलीवरी अगर करवानी है उसके पैसे हम दे रहे हैं, वो 500 रुपया नहीं कटाना अगले ने। तो मैं मतलब आई नो इट्स अ वेरी पुअर कंट्री, बट कन्विंसिंग पीपल, उनको ये दिखाना कि इस चीज में तुम्हारा बेनिफिट है, वो बड़ा मुश्किल है यार। मेरे ख्याल से आइडियाज हैं भी न्यू इन इंसेंटिव वाले और इंश्योरेंस वगैरह वाले, हाँ वो इस कहते हैं जेब पैसे आने तबके के चाहिए लिए यार, ये तो लेबर के लिए हम कर रहे हैं, वही ना। जो हमारी फैक्ट्री के अंदर बच्चा स्टिचिंग यूनिट चला रहा है, तो यार उसके घर में आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा घर है जिसमें माँ बीमार नहीं है, बाप बीमार नहीं है, भाई बीमार नहीं है, हर घर के अंदर, आपको भी पता है यार हम लोग यहाँ अमीरों के अंदर भी गरीबों के अंदर भी ऐसा ही हर है तबके के अंदर कोई ना कोई बंदा बीमार है, और जब बीमार होता है तो बेचारा ख्वार हो जाता है, उसकी सारी सेविंग्स तो उधर चली जाती। ऐसा ही है ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट आर द थ्री मोस्ट एसेंशियल थिंग्स टू फॉर टू रन अ ऑनलाइन, जो कहते हैं उसको, ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब बहुत एसेंशियल तीन चीज़ें कौन सी होंगी आपने इस देख कि ये तीन चीज़ें बड़ी यार एक तो सबसे, मेरा ख्याल है एसेंशियल सबसे ज्यादा जो है ना वो है आपकी प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट? आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा आप बेशक शाहरुख खान को एड में डाल दो और कोई मशहूर डायरेक्टर को ले आओ और एड जबरदस्त बना लो, प्रोडक्ट एक दफा कस्टमर ने ले लिया, अगर वो फारिग हुआ अगली दफा कस्टमर ने आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेना, प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। तो मार्केटिंग डजन, मार्केटिंग प्लेज अ रोल, बट द नंबर वन रोल इज प्रोडक्ट, नंबर टू इज ट्रस्ट, कि जो कस्टमर है वो आपको ट्रस्ट करे। अब जिस तरह हमारी वेबसाइट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, हमारे से भाई बहुत गलतियां होती हैं, हम लोग फटी हुई शर्ट भी कस्टमर को भेज देते हैं,
गलत जूते भी भेज देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वी ओन आवर मिस्टेक्स एंड वी टेक केयर ऑफ इट. और हम लोग जितना हो सकता है हम अपने कस्टमर को कॉम्पनसेट करने की एटलीस्ट कोशिश जरूर करते हैं. तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर ये कहे कि यार हाँ मैं गलत चीज आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ईएलओ को फोन करूंगा, मैसेज करूंगा, तो वो मेरा मसला रिजॉल्व कर देंगे. या जिस तरह मैंने रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी, प्रोडक्ट नहीं पसंद है वापस करो, पैसे ले लो. तो यू हैव टू बिलीव द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर नीड्स टू ट्रस्ट यू कि यार मेरे पैसे लेके दौड़ नहीं जाएंगे. और तीसरा मुझे लगता है कि कस्टमर की बात सुनना, कस्टमर लिसनिंग. बिकॉज मैंने जो भी अपनी आप समझ लें कि ऐप जो बनी, वो हमें कस्टमर्स ने कहा कि आप ऐप बनाएं, प्रोडक्ट रेंज कोई नहीं होती है. फॉर एग्जांपल हम लोगों को कस्टमर्स ने ही कहा कि जी आप स्लीपिंग सूट इंट्रोड्यूस करें, कस्टमर्स ने ही कहा था कि कुर्ता इंट्रोड्यूस करें, शलवार कमीज इंट्रोड्यूस करें, लॉने इंट्रोड्यूस करें. अब ईएलओ एक एक्सपोर्ट लेफ्टओवर का ब्रांड था, हम लोगों का लॉनों के साथ क्या लेना देना या कुर्तों के साथ क्या लेना देना, ये तो लोकल प्रोडक्शन. तो वी गॉट इन्वॉल्व इन टू दैट बिकॉज ऑफ कस्टमर. You want to get in detail के how you got involved in that? मैं भी ये चीज सोच रहा था पहले कि यार लेफ्ट ओवर में तो स्पेसिफिक कुछ चीजें लेफ्ट ओवर हुई होंगी, ये थोड़ी अपनी मर्जी की चीज, ये हमने ये भी निकालना है ये भी निकालना है, ये इसकी डिटेल समझाए. अच्छा, इसके अंदर हुआ यही कि बहुत आपको पता है ना, पाकिस्तान के अंदर दुकानों के अंदर भी स्टॉक आउट है ना, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर तो है ही, लेकिन अगर एक यहाँ कोई लोकल ब्रांड है, किसी की चार दुकानें हैं फैसलाबाद में या लाहौर में, अब उसने भी अपना उसका सीजन खत्म हो गया, उसने कहा जी ये मैंने 500 कुर्ते बनाए थे, मेरे अब 100 रह गए हैं, मैंने अब अगले सीजन के कुर्ते बनवाने हैं, तो मेरा ये 100 कुर्ता आप ले लो, तो हमने लेके उसका बेचना शुरू कर दिया, उसका बिक गया. तो देन वी रियलाइज्ड कि यार इधर तो लोकल चीजों की भी डिमांड है, शलवार कमीज की भी डिमांड है, लॉन की कुर्तों की भी डिमांड है, कुर्तियों की भी डिमांड है. तो वो ऐसे आप यही समझें कि वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड देन दे बिकेम अ बिग पार्ट ऑफ ईएलओ. तो इसमें यूं ही हुआ कि वो छोटा लेफ्ट ओवर है, जिस तरह हम लोगों ने एक जमाने में स्टेशनरी हुआ ये कि मैं बैठा हुआ ऑफिस के अंदर, मेरा एम्प्लॉई आया, उसने कहा कि मेरे मामू ने स्टेशनरी और बुक शॉप खोली थी, तो उनका ना नुकसान हो गया, तो वो बुक शॉप का उनका 10-15 लाख रुपए गया, जितने का भी माल पड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लो. मैंने कहा यार अगर उनको कहो कि अपना माल रखवा दें, बिक गया तो हम पैसे दे देंगे, नहीं बिका तो भाई उठा के वापस ले जाए. वी एक्सपेरिमेंटेड, इट वर्क्ड. अच्छा, तो कितना इफ यू लाइक टू शेयर इट, कितना का मार्जिन हो जाता है एक पेंसिल में या फिर एक इस तरह? डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट तो डिफरेंट है, बट नेट वी विल डू अबाउट 10%. 10% ठीक सारे कस्टमर के बाद सही है. क्योंकि देखो ना, अब एक पेंसिल का एक टी शर्ट से फर्क है. आपको पता है मैं 99 की जब टी शर्ट बेचता हूँ तो मुझे लॉस होता है. जो भी नहीं, अब ये डबल एक्सएल नहीं, जो अभी आजकल 99 की टी शर्ट है उसके ऊपर वो एक एल्फ बना हुआ. अच्छा, वो एक क्लाउन जोकर टाइप चीज बनी हुई, अब वो नहीं किसी ने लेनी भाई. तो हमने 99 उसमें तो साइजेस हैं मीडियम लार्ज एक्सेल, तो उसमें तो साइजेस भी नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं ली लोगों ने. अब मैं उसमें फंस गया. मूवी देखी थी आपने इंडिया की, एक मूवी अपने नाम नहीं याद आ रहा, वो शाहिद कपूर की मूवी थी, उसमें भी एग्जैक्टली उन्होंने यही मॉडल बताया था. जूते मंगवाते थे वो, आधे जूते उधर जाते थे लेफ्ट पेयर के. देखी है मूवी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी, मैं देखता हूँ यार, ये मुझे बताओ फिल्म कौन सी है. फिल्म का नाम नहीं आ रहा सुनने वाला, उसमें यही दिखाते हैं, वो कहता है वो बंदा आपको डेट करता था किसी चाइनीज कंपनी से, उसे मंगवाता दो पेयर ऑफ शूज, एक पेयर जो है ना वहां भिजवा दिया, एक वहां भिजवा दिया, फिर लेफ्ट ओवर हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया, फिर दोनों एक उसका दोस्त मिलके वहां से खरीदता था, वहां से खरीदता था, फिर वो मिलके बिल्कुल सेम एलो वाला मॉडल था काफी हद तक. और एलो के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है. एलो पर फिल्म भी बन चुकी है. खैर, कहाँ तक देख रहे हैं आप? माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, एंड ई कॉमर्स पर ग्रो कर रहा है, लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं अमेजोन पे, लोग धड़ाधड़ जा आ रहे हैं दराज पे, ठीक है अलीबाबा पे तो खैर नहीं इतने, लेकिन क्या पोटेंशियल आ रहा है? डू यू थिंक एक वक्त बहुत सैचुरेट हो जाएगा? यार मेरा ख्याल है अभी कॉम्पिटिशन का टाइम है, आए बंदे एंटर हुए, अभी तो कुछ भी नहीं है. देखो अगर आप सेल का भी देखते हो,
रिटेल सेल का तो 1% भी नहीं है, बिलियन डॉलर का जी ये लोग कहते हैं कि जी आपका ऑनलाइन बिजनेस है। तो यार 20 करोड़ की आबादी के अंदर 1 बिलियन डॉलर क्या चीज है? सही है, ग्रो कुछ भी नहीं है, ग्रो ही करना है यार। करना। अच्छा, व्हाट आर द सुकून से भाई। अच्छा, व्हाट आर सम ऑफ, जो कहते हैं, द डार्क साइड्स ऑफ बिजनेस। मतलब हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी ना इस तरह उम्र की शक्ल देख ली, हमने उम्र कमर की, हमने कहा बड़ा पैसा कमा लड़का है, खुश होगा, बड़ा पार्टी हल्टी कर रहा होगा। थोड़ा सा ना पिक्चर खींचे कि व्हाट इज योर डे लाइक, ठीक है, कितनी मेहनत, कितना वक्त देना पड़ता है, कितनी खवारी है, कितना सर खपाना पड़ता है, सारा कुछ बताएं। यार मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का ना लाइक आई वेक अप एट 8:39, 9:30 तक मैं ऑफिस आ जाता हूँ, और 9:30 से लेके 6 o'clock तक ऑफिस होता हूँ, जो 6 बजे छुट्टी हो जाती है ना बंदों की, मैं कभी 6:30 7 बजे तक बैठ जाता हूँ, तो मैं भी कोई 10 10 बजे तक नहीं बैठता। बट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, अब तो यार देखो 8 साल हो गए, अगर 8 साल में भी मैंने रात 10 बजे तक बैठना है तो फिर तो मुझे पे भी मतलब फिर मेरा काम करने का क्या फायदा, सीधी सी बात है। तो अब तो यार बड़े सिस्टम्स बेहतर हो गए, अब तो बहुत बेहतर हो गया काम, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था तब तो यार मेरे पास देखो, मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करना, फोटो उसकी खींचनी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी, उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर लेबलिंग करनी, वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स को रखना, उसके बाद कस्टमर की इंक्वायरी का जवाब देना। पहले शुरू के साल 2 साल तो मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर दिया होता था, कस्टमर मुझे फोन करके कहता था भाईजान ये ब्लैक शर्ट को रेड कर दे, और फिर रात के 2 बजे भी फोन कर देते थे कुछ तो इस तरह के मलंग थे। तो ये सारे काम किए हैं, तब तो बहुत ज्यादा था। फिर हमने सिस्टम्स बनाए कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं हर वक्त इतनी ड्यूटी नहीं दे सकता इस काम को। फिर हमने बंदे बनाए, स्ट्रक्चर सेट किए, क्या चीज खरीदनी है, क्योंकि पहले सिर्फ मेरी अपनी फैक्ट्री का माल मैं लगाता था वेबसाइट पे, अब मैं लोगों की फैक्ट्रीज का भी लगाता हूँ। व्हाई शुड वी बाय बेडशीट्स, कितनी बेडशीट्स लेनी चाहिए, किस स्टाइल्स की बेडशीट्स लेनी चाहिए। अच्छा, हमने पिछले साल कितनी टी शर्ट बेची, इस साल हमने कितनी बेचनी है, कितनी कैटेगरी, कितनी क्वान्टिटीज रखनी है। तो ये सारी की सारी प्लानिंग करनी है यार। अब हम लोग जरा सिस्टम्स के ऊपर आ गए, पहले तो गट फीलिंग होती थी, अच्छा यार ये मुझे टी शर्ट का डिजाइन अच्छा लग रहा है, ले लो, बिक जाएगी, फिर नहीं बिकती थी। तो साइंटिफिक तरीके पे काम नहीं कर रहे थे, अब जरा साइंटिफिक तरीके के ऊपर हम आ गए कि साइंस क्या लड़ानी है, नंबर्स हमें क्या बताते हैं, डाटा हमें क्या शो करता है, और डाटा को रिलाय करते हैं। तो पहले बड़ा विम्स के ऊपर काम था। सही है। अच्छा, एक थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि इज सक्सेस और मनी दैट ग्लैमरस जितना दिखाया जाता है, जितना परसीव किया जाता है। मैंने तो यार अभी तक ग्लैमर नहीं देखा तो पैसे भी इतने नहीं देखे, तो मेरे लिए तो ये नहीं है। बट आई थिंक कि सक्सेसफुल तो यार स्टेट ऑफ माइंड है, सीधी सी बात है। बहुत से आपसे कम पैसे वाले लोग भी बहुत खुश होते हैं अपनी जिंदगी से, बहुत बहुत अमीर लोग खुश नहीं होते अपनी जिंदगी से। तो आई थिंक इट्स स्टेट ऑफ माइंड, इट्स हैविंग अ राइट बैलेंस। उसकी फैमिली, आप खुश हैं जिंदगी से? यार देखो फेजेस तो आते हैं हर बंदे की जिंदगी से, जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस टॉप और टॉप चल रहा है तो आप खुश होगे, आपकी शायद पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके फेजेस तो गुजरते ही हैं यार। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम ऑलवेज हैप्पी या आई एम ऑलवेज सैड, ये वाला सीन नहीं है। तो इट गोज अप एंड डाउन, वो तो कांस्टेंट तो कभी भी नहीं। अभी तो यार मैं अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी टेंशन आ जाती है, कभी ये होता है कि यार सेल नहीं अच्छी हो रही तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। तो ये सारी चीजें तो यार लेके ही चलनी है। तो आई कैन नॉट रियली गिव यू एन एग्जांपल के फॉर्मूला ऑफ सक्सेसफुल लाइफ है क्या, बिकॉज़ आई हैव टू फाइंड इट आउट माय सेल्फ। और डिस्कवरी साथ ही मिलता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलता, किसी किताब या वीडियो देख के नहीं मिलता मेरे ख्याल से। खैर, अभी करंटली कितने बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं एलो ने, और कितने उनमें से लेबर यार है, हमारे कितने एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, कितने थोड़े मैनेजर लेवल के हैं, प्रॉपर हायरार्की से बताएं। यार हमारे टोटल होंगे तकरीबन 100 से 110, उसके अंदर हमारे लाहौर ऑफिस के अंदर 10 लोग हैं, और फैसलाबाद के जो मैनेजमेंट टाइप लोग मेरा ख्याल है 10 उधर भी हैं, 10-15 उधर हैं, बाकी सारे वेयर हाउस, कस्टमर सपोर्ट, पैकिंग, इंस्पेक्शन, फुलफिलमेंट, इस तरह के लोग हैं। तो 20-25 लोग आप समझे जरा ऑफिस टाइप है, बाकी लेबर ही है। तो स्ट्रेटेजिस्ट भी रखे हुए हैं कोई, हायर मार्केटिंग वगैरह की टीम यार की है या फिर अभी आउटसोर्स ही करते हैं? नहीं, अब तो हम लोग इन हाउस ले आ गए, पहले आउटसोर्स थी,
अच्छा पहले हम लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ था ये काम, अब इन हाउस ले आए, इसी वजह से तो लाहौर ऑफिस बनाया हमने। लॉर ऑफिस में क्या, किस पर्पस के लिए लॉर ऑफिस मेनली? लाहौर ऑफिस है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया बचे हुए कपड़े से हम चीजें बना रहे हैं, तो वो सारा लाहौर ऑफिस में बचे हुए कपड़े की जो प्लानिंग होती है कि इस कपड़े के साथ क्या करना है, इस कपड़े की टी शर्ट बनानी है, इस कपड़े की पोलो शर्ट बनानी है, इस बच्चे के बच्चों के रॉम्पर बनाने, क्या करना है। फिर हमारी मार्केटिंग की टीम है कि डिजाइनर हाँ डिजाइनर डिजाइनर रखा होगा। भी आई अच्छा, थी फिर हम लोगों ने रखा हुआ कि सोशल मीडिया पे क्या लगाना है, तो सोशल मीडिया की टीम लाहौर में, कस्टमर सपोर्ट की टीम लाहौर में, और अब हम लोग अपनी जो प्लानिंग और परचेज का डिपार्टमेंट है उसको भी लाहौर में मूव कर रहे हैं, कि जो बंदा गैप एनालिसिस करे कि फॉर एग्जांपल पिछले साल बच्चों की टी शर्ट बहुत अच्छी बिकी थी, स्टॉक एनालिसिस करे कि अब हमारे पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, कितनी मतलब कितने स्टाइल्स होने चाहिए, कितने पीसेस होने चाहिए, और हमने किन प्राइसेस पे बेचना, तो उसकी प्लानिंग और परचेज के लिए भी बंदा चाहिए, तो वो भी हम लाहौर ही मूव कर रहे हैं। बाकी फुलफिलमेंट और ऑपरेशंस फैसलाबाद ही होंगे, जो वेयर यार, हाउसिंग वाला काम हाउ मच डू यू फैसलाबाद। थिंक कि फैसलाबाद हैज हेल्प्ड, ठीक है ना, इन एलो और व्हाट एवर इट इज नाउ? यार देखो फैसलाबाद के अंदर सोर्सिंग में हमें बड़ा फायदा हुआ, फिर मेरा तो मतलब सबसे बड़ी अगर बात आप है कि इस्लामाबाद या कराची या लाहौर होते हैं तो ऐसा कौन सा खास बेनिफिट है जो फैसलाबाद होने में मिला है जो लाहौर कराची इस्लामाबाद में टैक्स मिलता? कराची में शायद हो सकता था, क्योंकि कराची में भी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल है, ठीक फैसलाबाद में भी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल है, तो कराची और फैसलाबाद में मुझे लगता है ज्यादा हो सकता था। इस्लामाबाद में तो सीन ही नहीं है ना, इस्लामाबाद में टेक्सटाइल कंपनी कोई नहीं है, ठीक है फैक्ट्रियां ही नहीं है, लाहौर में थोड़ी बहुत ही है, लेकिन फैसलाबाद में मुझे बेनिफिट हुआ है अपने स्कूल का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, तो क्योंकि वो सारे के सारे इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो मुझे तो उसका बहुत फायदा हुआ। नेटवर्किंग का मतलब मैंने बहुत अगर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं नेटवर्किंग पे आप, नेटवर्किंग मतलब बहुत यार क्या है बिजनेस मुझे तो नेटवर्किंग भी किया, मैं तो उस घर में पैदा हुआ जिधर हर बंदा टेक्सटाइल रिलेटेड है, मैं तो स्कूल में गया था, स्कूल में अगर 20 लड़के मेरे साथ पढ़ते थे तो 17 17 का कोई ना कोई टेक्सटाइल का काम था, किसी की लूमे है, किसी का बाप सूतर का काम करता है, किसी की जुराबों की फैक्ट्री, किसी की टावल की फैक्ट्री, किसी की बेडशीट की फैक्ट्री, तो ये सही। तो मेरा तो नेटवर्किंग ही गया, मैं तो नेचुरली उधर ही पैदा ही उस जगह पे हूँ जिधर सारे ही रिलेटेड थे, मतलब मेरी क्लास में कोई बैंकर का बच्चा नहीं था, कोई या भी कोई नहीं, इंश्योरेंस एक वाले का बच्चा नहीं, कोई भी नहीं था, एक लड़का भी नहीं था, या कोई आर्मी में हो या कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा, कुछ भी नहीं था, सारी टेक्सटाइल वाले, क्या 100%। क्या अगर उसके या तो उसके बाप की फैक्ट्री होती थी, या अगर नहीं भी होती थी तो वो किसी फैक्ट्री के अंदर उसका बाप मुलाजिम होता था, मैनेजर होता था, सही है क्या? तो ये सीन था। अच्छा, द थिंग आई फील ना, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, द थिंग आई फील इज एलो क्यों इतना आज माशाल्लाह ऊपर है, अल्लाह इसको और ग्रोथ दे, वो ये है कि इसमें ना रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। इट्स लाइक कि कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं फील हो रहा, मतलब आपकी बातों से भी ना, मैंने बातें की हुई है काफ़ी एंटरप्रेन्योर से पहले भी, वो लोग अपने ना तुक्कों को भी ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तब तो नहीं, मैंने हमने बड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ ना, बड़े कंपोजिशन के साथ हमने ये किया है, जो लाइक यार हाँ बस तुक्का लग गया क्या करें। तो ये चिल एटीट्यूड जो है ना, ये मुझे बड़ा रिलेटेबल लग रहा है। जिस तरह वो बताते ना कि आज हमारे पास डील आई है, ये शर्ट आई है, ये बड़ी अच्छी शर्ट है, और इस तरह जो फेसबुक पे जो वीडियो बनती है, सही आ रहा है आपको? स्लो मेरी आवाज़ लेट आ रही है, मेरे ख्याल से लेट आ रही है। नहीं ठीक है, अच्छा, तो हाँ वो उसका कैजुअल वीडियो बन गई या कैजुअल कोई कमेंट वगैरह हो गया, उससे ना मेरे ख्याल से रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा है, और रिलेटेबिलिटी फैक्टर से ही ना लोगों में एक तो एक्सेप्टेंस भी आई है, दूसरी बात यह है कि लोगों में ना एलो को एज अ ब्रांड ही देखा, लोगों ने लोग एलो को देखा एज हमारा ब्रांड, अपना ब्रांड। और मैंने ये चीज़ देखी है, बड़े 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 ब्रांड्स कोशिश करते हैं ऐसी चीज़, ऐसे स्टिग्मा डालने के लिए अपने ब्रांड में कि पाकिस्तानी उनको ऑन करे, लेकिन वो ऑन नहीं होते, ठीक है ना? माशाल्लाह एलो ऑन हुआ है, लोग एलो को ऑन करते हैं दोबारा। छोड़ नहीं यार, तू एलो से ले यार, एलो बड़ी फुटशॉट लेता है। वो लड़कों ने लेकर लेके दी, गिफ्ट दी, मेरी बर्थडे थी 11th को, उससे मुझे 5 शर्टें एलो से खरीदी, वो इतनी बड़ी बड़ी शर्टें, मैंने कहा यार को मैं कहाँ पहनूंगा भाई, मेरे पास भी पड़ी हुई है वो। खैर, तो ये चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है, द थिंग इज वापस भेज के एक्सचेंज करा लो हमारे से। चेंज। और ये मसला, मतलब ये मसला भी है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ना
जब आता है एक्सचेंज का लफा सोचते हो आपको बड़ा बर्डन फील होता है, तो मना करता है यार बड़ी हसल एंड बसल है, ऑल्दो आई एम श्योर हाँ इतनी, ये तो है। लेकिन ना एक साइकोलॉजिकल बड़ा हसल फील होती है यार एक्सचेंज करवाने अब, तो ना बंदा रुक जाता है वो अक्सर रुक जाता ये एक है। खैर मैंने ये चीज अब इसमें आप नोट हमें ये कह रहे थे कि किया, और पाकिस्तान और यूके के अंदर कस्टमर्स में क्या फर्क है। ये भी एक फर्क है कि वो एक्सचेंज में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर अब हमारा जो सबसे बड़ा जो ईएलओ के अंदर जो एक प्रॉब्लम है जो हम अभी तक कस्टमर को नहीं सिखा सके वो ये है कि साइज चार्ट देख के ऑर्डर करो, क्योंकि हम लोग चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली जो दुनिया का मुल्क है हम उसकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। अब एक जर्मनी के ब्रांड का मीडियम अमेरिका के ब्रांड के मीडियम से फर्क होना है, लॉजिकल है। आप भी अगर यहाँ आउटफिटर से चीज लेते हो और ब्रेकआउट से लेते हो तो एक आधे इंच का फर्क है भाई, पाकिस्तान में भी फर्क है। लेकिन पाकिस्तान में कस्टमर कहता है क्योंकि मैं आउटफिटर का मीडियम लेता हूँ तो येलो में मैंने मीडियम लेना, वो तो आंखें बंद किए बगैर आंखें बंद करके मीडियम ऑर्डर कर देता है, वो शर्ट बड़ी निकल आती है। फिर वो मुझे कहता है, फिर मेरा हमें हमारी टीम को कहता है कि जी मैंने मीडियम हो गई ये मुझे मेरा बोलती और है। साइज का तो खैर बड़ी पुरानी दुश्मनी है, जो कहता है मेरी, आपने जिस तरह जिस्मात देखी होगी बड़ी थिन है, लेकिन मेरी हाइट है 6'4", ठीक है ना, अच्छा मैं छोटी शर्ट लूँ तो वो लेंथ छोटी नहीं पूरी है। लेंथ में छोटी हो जाती है, बड़ी लू तो वो इस विथ में बड़ी हो जाती है। मेरा तो बड़ा इशू है, मेरा ना क्या कहते हैं, मुझे बड़े सोच समझ के कपड़े लेने पड़ते हैं, बड़ा साइड वो देख के साइज वगैरह देख के। खैर मैं क्या है, पूछा सवाल ही पूछा था कि जो ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर है ये खुद बन गया या फिर ये भी इसमें भी थोड़ी सी वो डाली है कि जो कैजुअलिटी और ये। यार इसके अंदर ना उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपको शायद एक बंदा पता है, गैरी वेनरचक, हाँ बड़ा गरीब गरीबी मशहूर एंटरप्रेन्योर है। अच्छा मैं ना उसकी एक दिन ना पॉडकास्ट देख रहा और मुझे उसका इतनी कोई ब्रीफ उसकी हिस्ट्री वगैरह का नहीं पता। आजकल ही आपको पता वो बड़ा हर वक्त ऑनलाइन और ये वो, तो मैंने एक इसका इंटरव्यू देखा तो उस इंटरव्यू के अंदर वो मुझे कहता है, वो मतलब कहता है कि उसका असल बिजनेस आपको पता है क्या था। वो मेरे ख्याल से क्या वो वाइन का था। हाँ अच्छा वो वाइन का बिजनेस था, वो वाइन के बिजनेस के अंदर उसका एक यूट्यूब चैनल था जिसके अंदर ना वो आधा घंटा बैठ के ना वाइन के बारे में बात करता था कि जिन बंदों को वाइन का नहीं पता ये फलानी वाइन पीनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड आई थिंक ही डिड अबाउट 1000 शोज। वो रोज बैठ के यही काम कर रहा होता था, ये वाइन बड़ी अच्छी है ये पिया करो इसमें ये होता है। अच्छा मुझे तो इसका नहीं पता था, फिर मैंने एक दिन जाके देखा, और ना मुझे तरह कोई वाइन का शौक है कि मैं जाके मुझे पता होगा कि वो बोल के आ रहा है, लेकिन आई फाउंड आउट कि जो लोगों को ये चीज पसंद है, जो लोग उस चीज के बारे में सीखना चाहते हैं दे एक्चुअली वॉच दिस शो। तो हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वी नीड टू टेल द कस्टमर के व्हाट वी आर सेलिंग। हमने शुरू भी किया था हमें दुकानदारी पॉडकास्ट वीकली डील के नाम से, आई थिंक मैं देखा था इस तरह का कुछ। पॉडकास्ट हमने कभी नहीं की थी, लेकिन हम ये फोन से वीडियोस बनानी हमने शुरू कर दी और उसमें हमने बताना शुरू कर दिया कि अगर ये एक टी शर्ट है ये जिस ब्रांड के लिए बनी है, इस प्रोडक्ट की फीचर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट उस ब्रांड के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी कि ये अमेरिका का ब्रांड है, ये जर्मनी का ब्रांड है, ये फलाना उसका जो बंदा है ये एंडोर्स करता है, अगर उसकी कोई यूनिक चीज है तो वो बता दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ हेडफोन्स बेच रहे थे आई फ्रॉग्स के, मुझे अभी भी याद है, एंड वी सोल्ड अबाउट 1500 हेडफोन्स इन वन डे। और वो आई फ्रॉग्स के हेडफोन्स थे वो अमेजोन के अंदर $20-25 के थे, हमने वो ₹500 के लगाए। सही है। और मैंने कहा ये $20 का हेडफोन है, ये एग्जैक्टली सेम हेडफोन है, आई फ्रॉग्स का पैकिंग भी देख लो ये भी कर लो, एंड वी टोल्ड अबाउट इट, वी गेव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ब्रांड, तो इट वर्क्ड। तो ये जो रिलेटेबिलिटी है वो मेरा उधर से एक आया कि यार ये आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी और एक कैजुअल तरीके से देनी जो वो समझ सके। एक सेल्स पिच नहीं देनी जो, या जाके स्टार्टअप पिच नहीं मैंने देनी, बिल्कुल बिल्कुल उसमें सही ये बात। बताना है यार कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये उससे मुझे आइडिया आया था मैं और फिर तो ये ये बिजनेस इवॉल्व कर गया व्हाट इट इज टुडे। में बड़ा बड़े कॉमन देखा है वो ना, बड़ी महंगी 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बड़ा ऐड नाते हैं, वो बड़ा उसमें ट्रांजेक्शन हो रही हैं और वहाँ फुल बैकग्राउंड मॉइस्चराइज धूम धूम, और ना बड़े मार्केटिंग बड़े लगाते हैं, वो टीम बुलाते हैं, वीडियोग्राफर्स बुलाते हैं, और बड़ी मार्केटिंग करते हैं छोटे छोटे बिजनेस में, लेकिन ना वो फैक्टर नहीं बन पाता उनका रिलेटेबिलिटी का। तो ये मैंने चीज़ पर नोटिस की कि ऑन, चूंकि आपका हैवी ई-कॉमर्स का बिजनेस, ठीक है ना, आपकी दुकान नहीं है ना वो अपनी वो है, तो ई-कॉमर्स में खास तौर पर दो चीज़ें काम की हैं भैया, जितनी मेरी वो है, ठीक है ना, काम से मतलब अच्छे वाला काम, ये नहीं कि हल्की फुल्की सेल्स उछाला चल जाए, अच्छा वाला मतलब ना एक्सपोनेंशियल के लेवल का। वो ये, या तो आप खुद सेलिब्रिटी हो और आप अपनी अपील
वो लॉन्च करो, अपनी मर्ज लॉन्च करो, ठीक है ना। वो ये होता है कि वो बिकती ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होती, लेकिन ना उनके पैसे जो कि आपने बड़े हाई रखे होते हैं 2,000 3,000, ठीक है ना, तो वो हाँ आपकी सेल्स में आपको दे देती है वापस। या फिर आप जो है ना एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिससे ना लोग रिलेट कर सके, यार हाँ ये जो है ना एलो अपना है। बेशक फिर आप गलती भी करो ना उसमें ब्रांड में, तो वो आपको प्रोफेशनल नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे भाई की तरह, यार एलो तो आप कोई नहीं यार, हो जाता है कभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज मैं बड़ी नोटिस किया, मतलब मेरे अपने सर्कल में हजार लोग एलो एलो करते हैं, मैं कहा यार क्या हो गया, पैसे पूछे दिए कोई, तो मैं पैसे पूछे दिए इतना क्या हो गया एलो। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि हमारी जो डील है या जो हम वैल्यू कस्टमर को देते हैं, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सीधी सी बात है, मैं हूं तो ओनर ही उसका, लेकिन वो अनमैचेबल है, बिकॉज नो बडी एल्स कैन गिव दोज वैल्यूज के यार, अब ये आपको तो एक 200 रुपए की टी स्पेशल शर्ट भी दे रहे हैं हम, और उसके अंदर हम 30 दिन की आपको मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं, तो मुझे आप बताओ कि इससे बेहतरीन वैल्यू है? मैं तो ये सोच रहा था कोई देना चाहे भी ना अच्छी वैल्यू, तो जो जहाँ से पीछे से जो रेट आ रहे होते हैं ना वो इतने खतरनाक होते हैं, स्पेशली इस तरह की कंट्री, इस तरह की सिटीज में, ठीक है ना, अर्बन सिटीज में। अब मैं उस दिन हमने सोचा था कोई शर्ट बनाने का, आई डोंट नो, ये पुरानी बात है, हमने भी शुरू किया था, मैंने मेरे कजन ने मिलकर, छोटा सा उसका नाम था, खैर मशहूर भी नहीं है इतना, कोई हल्का बल्का कह रहे हैं, लेकिन ना स्कूल के लड़कों लड़कों में खरीदना शुरू कर दिया, लड़कों लड़कों ने तो थोड़ा बहुत ना डिमांड बन गई उसकी, तो हमने कहा शर्ट्स बनाते हैं अपनी खुद की। अब हम गए वहाँ पे, क्या नाम है यार इसका, क्रीम मार्केट, क्रीम हाँ डॉट क्रीम मार्केट गए थे, ठीक है, क्रीम मार्केट गए वहाँ पे, 200 रुपये की वो दे रहा शर्ट, ये भाई 200 रुपये की शर्ट है, उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह लैदा होगी, वो लैदा होगी, मेरे को भाई क्या हो गया 200 रुपये, तो फिर निकलेगा क्या हमारे लिए, फिर 800 की शर्ट ही बेचेंगे ना, तो फिर वो ले गया कोई नहीं। ये बड़े फायदा हो जाता है, सोर्सिंग बहुत जरूरी चीज़ है, स्पेशली फॉर, और जिस तरह ने कहा है कि मेरा ताल्लुक ही उससे है इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल का, तो मुझे पता है कितना का रेट है, चलो कोई अब नया जिसका पता लुक, उसको तो बेचारे लूटेंगे टका के, तो उस तभी ना उससे ऐसे ही अच्छी रेट पे नहीं बन पाती, मैंने देखा है चले बनाने की कोशिश भी करे लड़के, तो अच्छी तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, फिर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो फिर रेट नहीं अच्छा मिलेगा, तो ये बेनिफिट ऐसे आपको ही ये भी था कि ना आपके जो कोई उठना बैठना ही उसी में था, आपको पता है ऊपर नीचे से भाई कहाँ पे कोई 2 नंबर ही मार रहा है, कहाँ पे 2 नंबर ही नहीं मार रहा, लेकिन अब माशाल्लाह मैं पढ़ा था आपके अब्बू की प्रोफाइल भी देखी मैंने लिंक्डइन पे, 37 ईयर्स उम्र होती है 37 ईयर्स, एक पूरी 37 ईयर्स मैं मैं, तो 37 खुद नहीं हूं, हाँ 37 ईयर्स से वो ये काम कर वो रहा था, इंडस्ट्री का तो वो बड़ी हेल्प ऐसे करती ही है। है। अच्छा एंड देन के आप कोई लड़का आया आपके पास के कमर भाई मैं ना बड़ा बिजनेस करना चाह रहा हूँ, क्या क्या करूँ बताएं, तो ना बिल्कुल बेसिक लेवल की, बिगनर्स लेवल की, सो ऐसी क्या एडवाइस देंगे भाइयों वाली कि भाई तू ये ना ये कर ले जो चले भी आपके नज़दीक, वो कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन कोई हाँ बोलो। मैं तो यही उसको कहूंगा यार, जिस चीज का शौक है उससे रिलेटेड कोई चीज करो, जैसे यार एक बंदा है फॉर एग्जांपल जिसको फिटनेस का शौक है, अच्छा मैं तो उसको यही कहूंगा यार भाई जिम रिलेटेड फॉर एग्जांपल, या तो ट्रेनर लग जा, सीधी सी बात है, देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ ट्रेनर, क्योंकि लोगों के अब जो स्टिग्मास हैं कि जी ट्रेनर ये नहीं, मैं ट्रेनर रहूंगा, भाई ट्रेनर मेरे से ज्यादा शायद पैसे कमाते हैं जो फिटनेस ट्रेनर आजकल है, और या अगर ही लाइक्स के पाकिस्तान के अंदर ट्रेनर्स या जो जिम वेयर है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ, तो वर्क विद समबडी, क्रिएट पार्टनरशिप्स, आप जिम वेयर का ब्रांड बना लो, सब अगर आप समझते हो कि न्यूट्रिशंस का किसी को नहीं पता तो न्यूट्रिशनल मतलब रिलेटेड टू जिस चीज का शौक है, ठीक सही है, है, अगर आपको शौक नहीं है ना तो फिर आप वो काम ना करो, मैं तो ये कहूंगा कि जो जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है तो सही है उसमें इसके ना आप ये वर्क पैशन करो। और इंटरेस्ट की जो बात है, मैं चूंकि मैं आपको बताया था मैंने आई एम एन ऑथर एज वेल, वो बुक पढ़ी है मेरी, तो ना मैं मेरी जॉनरा भी था ना वो सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ही था, पैशन और पर्पस बड़ा बोला जाता है लफ्ज आजकल कि भाई फाइंड योर पर्पस फाइंड योर पैशन, ये दोनों चीजें ऐसी है कि ना ये पैशन तो खास तौर पे आपका 6 साल के बच्चे का कुछ और होता है, 10 के कुछ और होता है, 12 कुछ और होता है, 18 का, वो सेम लड़के का, पहले वो कुक शेफ बनना चाहता है, फिर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, फिर वो कुछ और बनना चाहता है, ठीक है, तो वो वैरी करते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, पर्पज़ की जहाँ तक बात है, पर्पज़ एक ऐसा स्टिग्मा बना रहा है हमारे यहाँ पे, स्टिग्मा नहीं एक ऐसा ना मार्केटिंग बन गई है बल्कि, अब तो बकायदा लोग कहते हैं फाइंड योर पर्पज़ टुडे बाय माई कोर्स फॉर 99 ओनली, ठीक है ना, फाइंड योर पर्पज़ टुडे बाय माई बुक, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गई है पूरी पर्पस,
लेकिन पर्पस भी एक ऐसी चीज है, कहते हैं वो आप उसकी राह पर चल जाते हो, आपको राह नजर आ जाती है, ऐसा ऐसा ही रिवील होता है, वो एकदम से नहीं रिवील होता है कि आप तो पर चल जाए भाई ये मेरा पर्पस है, मैंने यही करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला का राज होता है पर्पस भी, आपको बस सड़क नजर आ जाती है कि दिशा, आपको ना डायरेक्शन नजर आ जाती है अपनी, और आप चलते रहते हो तो ऐसे ऐसे नजर आते रहते हैं, अच्छा अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसे करना था, वो अच्छा ये ऐसे है। तो अब मजे की बात यह है, जो हमारा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, जो उसके ना बड़े कोई इतना बहुत बड़ा फैन नहीं है उसका, ठीक है ना, वेरी फ्रेंकली। अब इस तरह का सिस्टम में पैशन तो रहता कोई नहीं है, जो बच्चा बेचारा पूरा 11th तक चला रट्टे मार मार के, या चलो जो भी है करते करते उसका कोई पैशन नहीं रहता, फिर वो क्या ना बस चल रहा होता है, सोसाइटी का चल रहा होता है। तो वो लड़का क्या सया है, कहता है सर कुछ भी नहीं करना आता, मैं बस बिल्कुल फ्लॉप हूँ, ऐसे ऐसे ही, मैं सर बिल्कुल ही ना जीरो फिर मैं हूँ। पता क्या कहूँगा उसे, हाँ फिर मैं उसको कहूंगा तू तो ऐसा करके 3 महीने के लिए चाइना चला जा। चला चला जाए, अच्छा क्योंकि मुझे ये फील होता है, क्योंकि मैं भी जब चाइना पहली दफा गया था, कब गया था, दो, मैं वैसे एक ही दफा गया, मैं 2017 में गया था, सही है। तो उधर में कुछ लड़कों से मिला जो कि यूं ही थे, लाहौर के लड़के थे, और वो एक लड़के ने तो LLB किया हुआ था लाहौर से, और उसके बाद ना उसके भाई का काम था साउथ अफ्रीका, वो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज वगैरह बेचता था, और सही वो है, लाहौर जाके बच्चा होएगा 21-22 साल का, लेकिन वो इतना सेट हो गया था कि काम किस तरह करना है, और इतनी देखो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर भी आनी चाहिए। अगर एक बच्चा मंडी बाहुद्दीन गया तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी शायद नजर ही ना आए, वो बेचारा यही कहेगा मैं एक किसान का बच्चा हूं, मैं खेती बाड़ी करूंगा तो यही है। तो जब आप इसमें भी प्रिविलेज चाहिए, इसमें आपको चाइना का वीजा चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इतने इतने रिसोर्सेज हैं, यार 5-10 लाख रुपया है, तो आपको जाना चाहिए, सही। मेरे आपको कोई ख्याल से अपॉर्चुनिटी जो आपने मिलना पहले वाली चाहिए। बात किया ना अपॉर्चुनिटी वाली, मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा जो जरूरी चीज है ना वो ये है कि ना जो सिस्टम हमारा है ना एजुकेशन सिस्टम, जो सारी बात है बच्चा उसी से निकलता है, 3 साल का होता चला चले जाता है वहां पे, ठीक है 23 या 24 तक वहीं पढ़ता है, फिर जाकर निकलता है वो कहीं, तो ये बिल्कुल ना बड़ा हैंडीकैप कर देता है बंदे को, ये इस तरह ये बेटा यहाँ तक ये करो, फिर यहाँ तक ये करो, फिर ये करो, तो ये करो, तो ना फिर उसके विजन जो होता है ना लिमिटेड हो जाता है। ये बंदे को पता होता है ना बचपन से मैंने खुद कुछ करना है, तो फिर वो जुगाड़ निकालता है। जुगाड़ का फायदा ये होता है, चूंकि ना जुगाड़ में क्रिएटिविटी होती है, जुगाड़ में इनोवेशन होती है, ठीक है ना, वो इनोवेशन खत्म हो जाती है लड़के में। वो लड़का कहता है वही बेचारा फिर वही किसी बटी यार मैं BBA करके वही ना लग जाऊंगा कहीं ना कहीं, अकाउंटेंट लग जाऊंगा या फिर ना असिस्टेंट मैनेजर लग जाऊंगा कहीं ना कहीं, उसकी फिर वो फील्ड ही लिमिटेड हो जाती है, उसने उसका ना फिर वो जो कहते कहते हैं उसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज का देखने का जो नजरिया है ना वो भी लिमिटेड हो जाता है। मैंने बड़ा नोटिस किया बात को, हर बंदा नहीं कर पाता, हर बंदा क्या कहता है अगर तो चलो यार ये BBA कर लिया अब चलो अप्लाई यार कर। उसमें ना एक मुझे लगता है कि लाहौर कराची, आप तो लाहौर के हो ना, जी आप किसी या लाहौर के हो ना आप, जी अब आप अगर सीधी सी बात है, मैं फैसलाबाद में था, फैसलाबाद में नई अपॉर्चुनिटीज थी, फैसलाबाद में मैं शायद टेक्सटाइल के अलावा कोई काम भी नहीं कर सकता था, और जो मेरे दोस्त यार हैं वो बेचारे उधर ही फंसे हुए हैं, अब वो वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब मैं अगर उससे छोटे शहर में चला जाऊंगा, मैं साहिवाल चला जाऊंगा, तो यार उधर और कम अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा सीन है कि उधर होता ही कुछ नहीं है। हम लोग जब शुरू शुरू में काम में किसी को कहता था फैसलाबाद, तो बंदे तो मुझे सीरियस ही नहीं लेते थे कि ये फैसलाबाद में बैठ के भी काम कर सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दिस इज वेरी ऑनेस्ट आंसर, कि पीपल वुड जज यू कि यार ये फैसलाबादी, इसको क्या पता किसी चीज का, कि या सियालकोट का है कि फैसलाबाद इतने तो स्मार्ट, और ये तो फिर शहर है ना, लोग ऊबर से जज करते हैं, तुम 19 के हो तुम्हें क्या पता, तुम 20 के हो तुम्हें अभी, कल हाँ कल ऐसे है। के तुम कल के तुम्हें क्या बच्चा। अक्सर ऐसा होता है बड़े ना बड़े बाबे बाबे होते हैं बड़े तजी नजर से ना ऐसे, तुम अभी कल के बच्चे हो तुम्हें क्या पता। मैंने कहा यार अच्छा हाँ चलो ऐसे ही है भाई, फेसबुक तो वो आपसे अमीर ही है, फेसबुक स्नैपचैट ये सारे यंग बच्चों ने ही बनाई है। वही ना, ये हमारी सोसाइटी का मसला भी है बिजनेस कल्चर में, खास तौर पे कहना एक्सेप्टेंस नहीं है बिल्कुल भी। एक्सेप्टेंस किसके लिए, आपने 40 साल लगाए हैं फिर जाके, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तुम क्या, तुम हाँ इधर तो यही है कि अगर आप 25 साल के हो और आप अच्छा काम करो तो तुक्का ही लगा, हाँ मेहनत तुक्का नहीं देखते, लगा, वहां ज्यादा तुक्का लग गया। तुक्का लगा है बिल्कुल ऐसा ही है, तुक्का लगा है या फिर ना तो मैंने बस चला गया अब तो अभी नजर आएगा तुम्हें। अक्सर लोग कहते हैं भाई तुम क्या मतलब क्या करते हो, हॉबी है तुम्हारी, जो तुम्हारी हॉबी है ना और क्या करते हो।
क्या मतलब वो भी यार है। देखो, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो YouTube इन्फ्लुएंसर है या जो ब्लॉगर है या जो जिसका YouTube पे पेज है या कोई भी है यार, दे पुट इन सो मच एफर्ट. इधर लोग कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कोई काम है करने वाला, बहुत जजमेंट है. बट आई फील आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका वर्क एथिक अच्छा है, इसी वजह से उनको लाखों लोग रोज देखते हैं. अगर वो फजूल काम कर रहे होते या उसकी डिमांड ना होती तो भाई नहीं देख रहे होते. वो अपना होमवर्क करके आते हैं, उन्होंने क्या बात करनी है, क्या किस तरह बिल्कुल लेके चलना है, दे बिल्कुल पुट रखनी। इन देयर वर्क. अच्छा अभी तक कितने पोटेंशियल नहीं, मतलब अभी तक कितने रियल कस्टमर्स, मतलब अमाउंट वाइज मिलियन 2 मिलियन, कितने अभी तक कस्टमर्स आपकी सेल्स में आ गए हुए हैं कि यार ये यूनिक कस्टमर एक है इस यार तरह। मिलियन तो पिछले साल से, मिलियन तो बड़ी देर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, अच्छा मिलियन अभी को कितने, तो अभी तक कितने होंगे? अब मुझे नहीं पता यार. नहीं मिलियन का ये मतलब है कि हमने मिलियन बंदों को चीज बेची है एक दफा अच्छा, एटलीस्ट. नहीं यूनिक प्लस जो ईमेल डाउनलोड्स, एड्रेसेस का मैं कह रहा मिलियन प्लस डाउनलोड्स तो हूँ, हाँ उसमें मिलियन रहेगा प्लस. आपके नहीं लेकिन उसमें। मिलियन प्लस डाउनलोड का ये थोड़ी मतलब है कि उसने चीज खरीदी है मेरे से. आपने डाउनलोड किया, आपने मेरे से चीज ना नहीं खरीदी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये तो अभी है. मैं डाउन खरीदने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वेंडर कितने तो लोगों को, आपके नजदीक एस्टिमेशन के मुताबिक कितने तो लोगों को पता होगा एलो का, और उनमें से कितने तो लोग खरीदते होंगे, ये पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का जब फेसबुक पे मैं ऐड चलाता हूँ तो वो एक हफ्ते की रीच मुझे बताता है. तो वी रीच अबाउट 40 40 मिलियन पीपल एवरी वीक विद आवर एड्स. तो 4 करोड़ बंदे को तो हम ऐड अपना दिखाते हैं हर हर हफ्ते, लेकिन सही है। अच्छा इतने अच्छा खरीदते नहीं है यार. कितने फेसबुक ऐड पे, कितने कहते हैं कितना सक्सेसफुल है आपके नजदीक फेसबुक ऐड की, क्या टेक्निक होगी, हाउ यार टू फेसबुक एड्स कभी बहुत सक्सेसफुल होता है, कभी बहुत अनसक्सेसफुल होता है. जैसे शुरू में तो यार मौजें होती थी हमारी. 2013 के अंदर हमने एक एड भी नहीं लगाते थे, पोस्ट लगाते थे, 50,000 देख लेता था. 50,000 मुफ्त में तो किसी चीज को कोई बंदा दिखाई नहीं सकता. तो फेसबुक साइकिल्स में ही होता है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है. अब मेरा ख्याल है पिछले साल अक्टूबर नवंबर से लेके अब जाके बेहतर हुआ, बहुत महंगा हो गया था. तो मैं आपको फेसबुक की कंसिस्टेंसी कह ही नहीं सकता इतना. हर वक्त कभी कोई चीज चेंज कर देते हैं, कभी कोई चीज चेंज कर देते हैं, कभी एल्गोरिदम में ये चेंज कर दिया, कभी ऐप वो एप्पल के साथ पंगा हो जाता है इनका. तो आई कैन नॉट रियली चेंज कि उसकी कितनी कंसिस्टेंसी है, क्या सीन है, वो चेंज होता रहता है मतलब अगर फेसबुक. आप चाहे, आपको अभी तक नहीं पता फॉर्मूला ऑफ अ सक्सेसफुल फेसबुक कैंपेन। नहीं फेसबुक कैंपेन की सक्सेसफुल का तो देखो, जो सक्सेसफुल है वो तो हम देखते हैं ना रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैंने 1 रुपया लगाया तो मुझे कितने वापस मिला. हाँ जी लेकिन उसका एल्गोरिदम भी चेंज हो जाता है ना. मैंने आज एड चलाया जो मुझे आज जो बता रहे मैंने 1 रुपया लगाया तो मुझे 15 का रिटर्न आ रहा है, वो सही है। कल 8 रुपये का हो जाएगा, फिर अगले दिन 20 रुपये का हो जाएगा. वो बंदा कहता है यार मैंने कुछ किया ही नहीं, उन्हीं बंदों को मैं ऐड दिखा रहा हूँ, ना मैंने ऐड के अंदर क्रिएटिव चेंज किया. ये ऊपर नीचे इतना ज्यादा किस तरह फ्लक्चुएट कर सकता है. तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है. ऑब्वियसली हमें पता है कि यार ये जो एड अच्छा है, अब अगर आरओएस जिसका 4 है या 5 है, 10 वाले से तो बुरा है ना, सही है सही है। अच्छा ये तो हमें पता है, लेकिन वी डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. अच्छा टेक्निकलिटीज का समझ आई अभी तक। टेक्निकलिटीज का जरा हमें इशू होता है, हम लोग समझते हैं कि यार ये झूठ बोलता है. कभी कभी तो मैं ये कहता हूँ फेसबुक झूठ बोलता है. सही है। अच्छा आगे का कोई प्लान है आपका, आगे कुछ और शुरू करने का? यार और शुरू करने का, जिस तरह मैंने आपको अमेजोन का कहा, अमेजोन है, और दूसरा पोलो रिपब्लिका के अंदर डिफरेंट रेंजेस के ऊपर काम करने का, जिस तरह अभी मतलब हम लोग इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री चेंज करने का कोई इरादा है कि मतलब कहीं और भी हाथ मारने का, कहीं और इंडस्ट्री में इरादा है कोई, मतलब कौन सी इंडस्ट्री का. हाँ कोई भी इंडस्ट्री और इस तरह, ये टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल और ई कॉमर्स है। हाँ सर, तो कुछ हाँ नहीं। नहीं, आई थिंक आई गॉट माय हैंड्स फुल. इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना भाई, इसमें बहुत ज्यादा काम है. और इसको ही सिस्टमेटिक करना, इसको बेहतर लेके जाना, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए. ये बातें बूतें ज्यादा हैं और लोगों को ये लगता है कि ये लो बहुत बड़ी कुछ टॉप चीज बन चुकी है, लेकिन वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट हार्ड हर वक्त पूरा. वी नीड टू पुट लाइक 8 9 आवर्स 10 आवर्स अ डे. एवरी सिंगल पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड. सो वो एक जो जरा चिल जरा होता है ना कि हाँ यार आई थिंक आई हैव गॉट थिंग्स अंडर कंट्रोल, और मुझे इस तरह हर वक्त सोचता नहीं रहना चाहिए, वो सिस्टम्स नहीं बने अभी हमारे.
मजे जब की तक बात वो है, सिस्टम्स अगर नहीं बनेंगे। सिस्टम बना भी लेना वो, फिर भी उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, तो वो जब सिस्टम्स बनेंगे ना, तब मैं किसी और चीज के बारे में सोचता हूँ। अभी तो मैं पूरा दिन येलो के बारे में सोचता रहता हूँ। सही है, येलो कभी इंटरनेशनल तो नहीं हो सकता या होगा, या फिर अभी तक तो कोई यार नहीं। इंटरनेशनल पोलो रिपब्लिका का हम सोच रहे हैं थोड़ा। और एक अभी मेरी थोड़े दिन पहले ना, एक हम लोगों की जब 1 मिलियन डाउनलोड हुई है, तो मेरा ना जो शॉपिफाई जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके पार्टनरशिप मैनेजर का मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आया। उसने कहा कि मैंने ना तेरी एक टॉक करानी है, क्योंकि तेरी 1 मिलियन डाउनलोड हुई है, विच वॉज एन ऑनर फॉर मी कि एक पाकिस्तानी कंपनी, एक कैनेडियन इतनी बड़ी कंपनी के लिए वो हमारे ऊपर पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि तेरे साथ ना स्टीव मैडन, विच इज अ वेरी फेमस अमेरिकन शू ब्रांड, अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है, तो जिसका वो आईपीओ नहीं कराता फिल्म के अंदर, लियोनार्डो डिकैप्रियो, और उसको जूते फेंकते हैं, देखी भी आपने फिल्म? तो देखी वो नहीं है, देखी कंपनी, हाँ देखी अच्छा, नहीं। वो एक आईपीओ कराता है उस फिल्म के अंदर। तो वो उसका प्रेसिडेंट जो है ना, ही इज गोना बी देयर। तो उसने जब मुझे लिंक कराया, उसको मैंने अपना बिजनेस मॉडल बताया, तो ही रियली लाइक्ड द बिजनेस मॉडल, एंड ही वाज लाइक वी कैन डू सर्टनली डू समथिंग लाइक दिस इन यूएस, बिकॉज अमेरिका में मैक्सिको के अंदर से ड्यूटी फ्री एक्सेस है, और मैक्सिको इज लाइक फैक्ट्रियां उधर बहुत हैं, उधर भी टी शर्ट, पोलो शर्ट, अंडरवेयर, जूती, चप्पल, सब कुछ अमेरिका में मैक्सिको से आता है। सही तो है, वी कैन वर्क दिस मॉडल इन मैक्सिको एंड वी कैन डू फ्री शिपिंग, मतलब है, बट वी नीड टू पार्टनर विद समबडी बिग लाइक हिम। सही है, तो कनेक्शन बन रहे हैं अब, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम, बहुत ये भी बड़ी खुशी होती है कि फैसलाबाद बैठ के अमेरिका में इतने बड़े बड़े जिन्हों के साथ बात कर रहे हैं। सही है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का फायदा है। अच्छा, पोलो रिपब्लिका बताए, उस पर कोई बात नहीं हुई हमारी, पोलो रिपब्लिका पे एलओ सारी बात कर ली। हाँ, इसका यार ये सीन यही था कि ये बची हुई बटन, बची हुई हुआ यही कि ये असल ब्रांड तो मैंने ये बनाना था। जब मैं पढ़ के वापस आया ना, मैंने कहा भाई पोलो रिपब्लिका मैंने बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये घोड़े से ऑब्सेस्ड है। क्योंकि मैं एक दिन ना, तब अब तो जरा कम हो गया, 2012-13 के अंदर ना, मैं ईद की नमाज पे गया, तो एक लड़का आया हुआ, उसने इतना बड़ा घोड़ा ना अपनी शलवार कमीज पे बनवाया हुआ, तो और वो ईद की नमाज पढ़ा। मैं कहा यार पोलो रैल्फ लॉरेन ने कुर्ते बनाने शुरू कर दिए, बट ही डिड इट। तो मैंने कहा ये कॉम ना जरा घोड़े के ऊपर जरा ऑब्सेस्ड है, तो मुझे जरा वर्ड प्ले इसके ऊपर ही करना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड द ब्रांड, तो वो ब्रांड तो घोड़े वाला ही था, तो वो जब हमने बनाया वो बन नहीं सका। फिर वो जब लेफ्ट ओवर का काम शुरू हुआ, तो हमने ये सोचा कि जो कपड़ा है ना, उससे हमने जो ब्रांड बनाना है ना, वो पोलो रिपब्लिक का बनाना है। सही सही तो ये सही, उसकी स्टोरी है, और अब हम यही करते हैं कि बचा हुआ बटन, जो भी फैक्ट्री में बची हुई जिप होती है, या बचा हुआ बटन होता है, बचे हुए कॉलर होते हैं, हमने उसको कंज्यूम करके कुछ बनाना है। तो पोलो रिपब्लिक का ये कॉन्सेप्ट है कि अब्बू बची हुई चीजों की से। फैक्ट्री में अभी कोई काम नहीं है, अब्बू कभी कोई एक्चुअली वो नहीं है। नहीं, अब तो अब्बू की फैक्ट्री में काफी काम हो रहा है यार, अब तो हमारी जो भी पोलो रिपब्लिका की प्रोडक्शन है वो सारी फैक्ट्री में ही होती है। मतलब कोलैबोरेशन कर रहे हैं या फिर अलग-अलग एंटिटीज है? यार पहले हमारी वो सिस्टर कंपनी थी, कि मतलब मेरे वालिद साहब की कंपनी के अंडर ही ईएलओ आता था, अब नहीं है। अब ईएलओ एक अलहदा कंपनी है, इमेज गारमेंट से एक अलहदा कंपनी है, जो मेरे वालिद साहब की कंपनी, अब अलहदा अलहदा हो गया पिछले साल से, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज द सेम कंपनी। बाकी क्या तबीयत से ठीक है आपकी? हर्ट है यार, हर्ट है। एज क्या है आपकी, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्किंग? 33 33 का, और सही है। पाकिस्तान बेहतरीन चल रहा है, मजा आ रहा है पाकिस्तान को, देख रहे हैं का ग्रोथ में। यार देखो, मेरे बिजनेस में तो बहुत ग्रोथ है, और वैसे भी यार चीजें, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। मैं जब एक नजरिया मेरा भी चेंज हुआ है, क्योंकि मैं सारी जिंदगी फैसलाबाद रहा हूँ, मैं लाहौर आया हूँ, तो लाहौर में अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, काम होता हुआ नजर आता है। फैसलाबाद में बहुत एक डिफरेंट फील है, इधर आपको नए लोग भी मिलते हैं, नए काम भी नजर आते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाता है, कोई मॉडल मिल जाता है, कोई वीडियो के लिए बंदा मिल जाता है। फैसलाबाद में ये इंडस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करती, उधर सही है, बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज को लेके चलना, तो इधर अपॉर्चुनिटीज भी नजर आती हैं। जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो, तो आपको नजर आता है कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीजें। फैसलाबाद इज वेरी गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड या मीडिया या मार्केटिंग में जाते हो, तो उधर उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, उधर फिर आपको बड़े शहर। 2040 तक क्या लग रहा है? 2040 में आपको पसंद कहाँ नजर आ रहा है?
2040 में हाँ यार, फिर तो उड़ने वाली गाड़ियां होनी चाहिए फिर सियासतदान बन रहे हैं, है। सियासतदान सियासतदान मैंने बनना है? बन नहीं, मैं तो बिजनेस के अंदर ही, जो अपना काम है इसी को सीधा करना है यार, इसी को अल्लाह करे कि इंटरनेशनल लेके जा सकें रहे हैं। नजर नजर और आता है आपने, थोड़ा सियासतदान फायदा बनाते दे हैं, थोड़ा सकें। अच्छा, सियासतदान बनाते हैं आपने। पहली दफा मुझे मुझे बताया है, चलो देखते हैं, कोई शायद मिनिस्टर मिनिस्टर मुझे लगा दे किसी चीज का, बट नॉट, डेफिनेटली नॉट प्राइम मिनिस्टर या कुछ। अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई चीज होगी तो पॉलिटिकल ऑफिस भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो काम करना है, पैसे कमाने हैं और लेके चलना है इन चीजों को, कि ये जो हम लोगों का ये टारगेट है थोड़ा सा अजीब सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन है, लेकिन पैसे क्यों कमाने? अब ये मजे का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। पैसे इस वजह से कमाने हैं क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि वी आर पुटिंग एवरीथिंग बैक इनटू द बिजनेस और वो सिस्टम नहीं बने, और एक आपका किसका दिल नहीं करता पैसे कमाने पे यार, एक जनरल सी बात है, आपका दिल नहीं करता पैसा कमाना, सही है, हर बंदे का करता है। अब मैं 100 रुपए की चीज बेच के पैसे नहीं कमा रहा तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना, अब मेरे 100 रुपए की चीज बेच के पैसे भी कमाने, सही सेल सही तो बढ़ रही है, सही 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 है। नहीं उस चीज को प्रॉफिटेबल भी तो करना है ना, या प्रॉफिट बेहतर करना है अपना आप लोगों का, और सिस्टम्स बेहतर मैं कर। पूछ ही रहा था, इसलिए पूछा था कि प्रॉफिट्स बिजनेस की तो सारी बात जरूरी है ना, वरना सर्वाइव कैसे करेगा बिजनेस। मैं ऑन अ पर्सनल लेवल पूछ सकता हूँ, पर्सनल लेवल पे पैसे एक तो चलो ठीक है ना, 3-4 लाख रुपए आपको चाहिए टू लिव अच्छी लाइफ इन पाकिस्तान मिनिमम, ठीक है। मिनिमम ऐसे हाँ तो चलो ऊपर कर लो 20 लाख कर लो, उससे ज्यादा जब आपकी जिंदगी बेहतरीन है, आपके पास वो एसेट्स भी बन रहे हैं, आपके पास बच्चे भी पल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा ख्वाहिश है सिर्फ, या कुछ विजन भी नहीं है? यार, फॉर अ रेनी डे। देखो आप, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना, मैं जब बाहर होता था ना, मुझे इतना पैसों से, मैं इतना सोचता नहीं था पैसों के बारे में, क्योंकि मैं यूके में था, मेरी टांग टूटी, मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई, मेरा गवर्नमेंट ने सारा इलाज दिया, हालांकि मैं वहाँ स्टूडेंट था, मैं ब्रिटिश सिटीजन नहीं हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर, मेरा ख्याल है 10 से 15 हज़ार पाउंड का मेरा डॉक्टर का बिल था, जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए। ठीक है, आप हर चीज तो यार ये है कि अगर आप काम नहीं करते, आपका हेल्थ केयर है, आपकी एजुकेशन है, सब कुछ तो गवर्नमेंट देती, तो यूके में आप ये कहते हो यार पैसा शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान आता था, इधर तो बिजली इतनी जाती थी 2012 में, 2010 में, 2009 में, कि अगर आपके पास पैसे नहीं, आप तो बिजली के बगैर रहोगे, अगर आपके घर में जनरेटर नहीं, आप सो ही नहीं सकते। सही है, आपने अगर कहीं जाना है उधर, तो आप लंदन में बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो, इधर अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप तो ख्वार हो गए ना। सही है। तो इधर भाई बड़ी जरूरत है, इधर आपका कोई बड़ी सर्जरी हो जाए, खुदा ना खास्ता आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए, आप इलाज के पैसे दे सकते, सही है। तो पैसे चाहिए भाई। ये लंदन या पाकिस्तान को भी लंदन की तरह कर दो कि भाई गवर्नमेंट देगी पैसे, या आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है यार, इधर फीसें इतनी ज्यादा हैं, इतनी चीजें हैं यार। अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब आपके बच्चे हैं अचीव को नहीं भी बच्चे नहीं है अभी, नहीं? अच्छा बच्चे मैं बच्चे हो जाएंगे फीसों अभी, अभी नहीं है। का बैगा शायद रोला चक्कर चढ़ा है अभी तक, बड़े दिक्कत है। हाँ मेरे कजन है बेचारा, रोज दुखा सता रहा था यार, बच्चों की पहले बच्चे फिर बच्चों की फीसें, तो अच्छा चल रहा है यार कोई तो नहीं। ऐसे ही है ना यार, दिस इज, अब पाकिस्तान में सिस्टम यही है, कौन सा सस्ता है कुछ। आपने यार, हम लोग जब ओ लेवल्स ए लेवल्स के एग्जाम दिए, तब मुझे याद है कि वो इंटरनेशनल फीस इतनी ज्यादा होती थी, ऐसा पता ही नहीं एग्जाम एक कितने का होता था, 12 बार का एक पेपर तो होता था, अब और वो एक तो पेपर और भी ज्यादा महंगा हो गया सब कुछ, आपको पता ही है, हम लोग जो जब पढ़े हैं तब चीजें सस्ती थी, अब चीजें सही महंगी हो गई, अब महंगी क्या, बहुत महंगी हो गई, तो सही। पैसे इस वजह से चाहिए। चलो थैंक यू फॉर कमिंग, बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा सेशन हो गया आपको, आई होप मजा आया हो। तो ये बातें तो प्ले बिल्कुल करने को है, लेकिन बातें निकलती भी रहेंगी, तो आपने जाना था मेरे ख्याल से कहीं, हाँ यार, मैंने 1 बजे निकलना है, तो बस ठीक है। इसी वजह से मैंने आपसे रीस्केड्यूल करवा लिया तो था। मैं इसे वैसे ना वही देखा था टाइम, मैं कहा थोड़ा टाइम वो 1 बजने वाला है, इसलिए ना भाई थोड़ा सा पहले जाना दे देते हैं। खैर थैंक यू फॉर कमिंग, चलो बड़ा मज़ा आया, अच्छी गुफ्तगू हुई, प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई।
ना, मतलब वो घिसे पिटे सवाल ही पूछे कि कैसे बना एलो, एलो के पीछे क्या ख्यालात थे मेरा आपके। ख्याल है काफी वो लोग और पॉडकास्ट देख सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आई हैव रिपीटेड दैट हाँ आंसर मैंने क्वाइट। एक दो पॉड से पहले भी दे सुन चुका, बात तो मैंने कहा यार ये वाली बात नहीं पूछती, मैंने सोचा था सोच के आया था बात कि वही बात ना। तो हम बड़ा रिलेटेबल है, आई होप यूजफुल हेल्पफुल भी हो फॉर द व्यूअर्स, ठीक है, जो जो एलो के फैन हैं या फिर जो लोग अपना भी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यूजर वो। बाकी एनी लास्ट वर्ड पीस ऑफ एडवाइस फॉर आई डोंट नो एनी वन, मी या फिर ऑडियंस में से किसी को। आवाज आ रही है, लेट हो रही है। यार बस मेरा ख्याल है कि टेक लीप ऑफ फेथ और अपना काम करना शुरू कर दें। ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे कि पहला स्टेप ही ना करें, तो सबसे पहले यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट इट। ये इफ एंड बट नहीं लेकिन ये वो अगर आप सोचते रहोगे तो फिर एक काम। लास्ट सवाल पूछूंगा, एक लास्ट सवाल फिर ना क्वेश्चन करते हैं। प्रिसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है बिजनेस में? सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और प्रसिस्टेंस, प्रसिस्टेंस। यार देखो, परसिस्टेंस तो आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत दफा मैंने बहुत से स्टेप्स लिए, मैं येलो की ही बात करूंगा, जो दे डिडंट वर्क आउट, ठीक है, जिसका हमें नुकसान हुआ। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में हमेशा एक ये जरूर था, कंसिस्टेंटली मेरे दिमाग में एक ये बात जरूर थी कि ये जो आइडिया है ये ठीक है, ये सक्सेसफुल है, इट्स गोइंग टू मेक इट बिग। तो ये एक विजन जो आपके दिमाग में होता है कि यू बिलीव इन योर आइडिया, तो वो जरूरी है। फिर परसिस्टेंस आ जाती है, फिर यू ट्राई 10 अदर वेज टू वर्क इट आउट। आप खुद ही ना खुद ही तरीके ढूंढ लेते हो। अगर आपको कमिटमेंट है ना, अगर आपको विश्वास है इस चीज के अंदर कि ये प्रोडक्ट ठीक है, ये बिजनेस मॉडल ठीक है, तो सोल्यूशंस निकल आते हैं। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। मुझे यकीन है कि ये सक्सेसफुल है, तो फिर आपकी परसिस्टेंस खुद ही आ जाती है, फिर आप 10 और तरीके ढूंढोगे काम करने के लिए। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया जल्दी से जल्दी से, वो ये है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर अ न्यू बिजनेस यूएसपी कितनी जरूरी है? मतलब मैं अगर एक चीज सारे कर रहे हैं, सारे तो नहीं ख्याल, लेकिन जो कंपनियां कर रही हैं, ये जो ब्रांड्स पहले से कर रहे हैं, और मैं वही चीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे करना चाहिए? ऑल दो आई हैव फुल बिलीफ इन माई सेल्फ एंड माई प्रोडक्ट, यार ये चीज़ बड़े मजे की करूंगा, मैं अच्छी करूंगा, तो उस पर क्या ख्याल आता है आपका? यूनिक भी जाना अच्छा, चाहिए। फिर सबसे पहला यही, फिर मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, द कस्टम द गाय हु इज रनिंग द बिजनेस नीड्स टू आस्क वन थिंग, कि अच्छा मेरे से कस्टमर क्यों खरीदे। सही है, दैट्स इट। अगर वो उस चीज का जवाब दे सकता है और वो अपने कस्टमर को बता सकता है कि वाई बाय फ्रॉम मी, तो उसको करना चाहिए। थैंक सही है। सर थैंक यू उमर फॉर कमिंग, ठीक है, यू। रियली गुड टॉकिंग टू यू। बड़े माशाल्लाह आपने अच्छी गुफ्तगू की, इंसाइटफुल गुफ्तगू थी, बड़ी रिलेटेबल गुफ्तगू थी। ये कहता बड़े बड़े फलसफे छोड़ दिए लोग, चलो सोचते रहे यार ये क्या क्या बात करती भाई ने, सुकून से बड़ी चिल गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू। तो थैंक यू फॉर कमिंग, होप टू सी यू ग्रो इंशाल्लाह मोर एंड मोर, अल्लाह ताला आपके और आपके बिजनेस पे, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी इवन, अल्लाह ताला रहम करम करे और आपको और से और दे, ठीक है, बाकी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, और सी यू इंशाल्लाह सून, हाफिज़। ऑफिस, बाय बाय।